हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। देखिए फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक सी एक वीडियो लेके आई हूँ। आपको ये वीडियो, आज की वीडियो बहुत पसंद आने वाली है, इस वीडियो को पूरे को देखना। देखिए, इस तरह से मैंने एक फैब्रिक को क्विल्ट कर लिया है, ठीक है। ऊपर की तरफ मैंने प्लेन फैब्रिक रखा है, देखिए सब बीच में मैंने राइस बैग लिया, नीचे की तरफ जो बचा कुचा कपड़ा था उसको मैंने जोड़ लगा के नीचे की तरफ उसको इनर के रूप में यूज़ कर लिया। इसकी मेजरमेंट आपने स्क्रीन पर देख ही ली होगी फ्रेंड्स, यहाँ से है 15 इंच और दूसरी साइड से 30 इंच। 15 x 30 इंच का एक पीस लिया है, जिसमें हम जिस साइड 15 इंच है उस साइड हम निकालेंगे कपड़े की पट्टी से पाइपिंग। इस तरह से रखते हुए यहाँ से यहाँ तक मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसको दूसरी तरफ पलटते हुए हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। देखिए, जैसे मैं आपको बता रही हूँ सेम इसी तरह से आपको फोल्ड करना है। ये देखिए, इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने दोनों साइड पाइपिंग निकाल ली है। ये देखिए, इस तरह से अब हम यहाँ बीच में जिप इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो जिप की सीधा रखेंगे, उसके ऊपर इस तरह से रखते हुए हम इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे, ठीक है। सेम इसी तरह दूसरी तरफ भी हम इसी तरह इसको नीचे की साइड रखेंगे सीधी साइड, और उसके ऊपर इस तरह से रखते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। आज हम जो ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं फ्रेंड्स, उसको हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जिप में रनर को इंसर्ट कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से छोटे से पीस से 5 मिनट में बनके आपका ये रेडी हो जाएगा। इस जिप में रनर इंसर्ट हो गया है। एक्स्ट्रा जो पार्ट है जिप का, मैं इसे कट कर देती हूँ, ठीक है। दूसरी साइड से भी मैं कटिंग कर देती हूँ इसकी। अब ऊपर की साइड से इसे इक्वल करते हुए नीचे की साइड से हम इसके मिड पे हम कट लगा लेंगे। आप चाहो तो निशान भी लगा सकते हैं, ठीक है। नीचे की साइड से हम लगाएंगे 4 इंच पे निशान। सेम इसी तरह दूसरी साइड भी लगाएंगे। यही निशान हमें दूसरी साइड भी लगाने हैं, तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ फ्रेंड्स, मैं यहाँ से इसको फोल्ड करते हुए कट लगा लेती हूँ, ताकि जो मेरा निशान है वो दूसरी साइड भी चला जाए, ठीक है। अब इसमें पहले हमें जो हमने बीच का निशान लगाया था, बीच के निशान को बीच से मिलाते हुए मैं इसको ऊपर और नीचे से पिनअप कर लेती हूँ, ताकि ये कपड़ा हमारा हिले नहीं। देखिए, इसी तरह मैं सेम यहाँ से भी इसको पिनअप कर लेती हूँ। अब जो कट हमने लगाए थे, ये देखिए, यहाँ से इसी के इक्वल मैं इस साइड से इसको उठा लेती हूँ और इसको जिप के ऊपर रख लेती हूँ और इसको बैक साइड वापस रख देती हूँ। यानी कि हमने 4 इंच जो फोल्ड किया था वो अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया वो कपड़ा हमने, ठीक है। देखिए, इस तरह से अब इसको इक्वल करते हुए, ये देखिए इक्वल कर लिया, मैं इसको पिनअप करती हूँ, ताकि ये जो हमने एक प्लेट डाली है अंदर की साइड वो खुले नहीं, ठीक है। जैसे हमने इस साइड डाली प्लेट, सेम उसी तरह हम उस साइड डालेंगे। देखिए, बिल्कुल जो मैंने कट लगाया था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से और दूसरी साइड, दोनों साइड से उठाना है और इसको इस तरह से यहाँ पे कवर कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा एडजस्ट। देखिए कितनी इजीली एडजस्ट हो गया है। और इसको बराबर करते हुए इसको आप पिन अप कर लो, ताकि ये हिले नहीं, या फिर आप अगर पिन वगैरह नहीं है तो कच्चे धागे से इस पर सिलाई कर लीजिए, सुई धागे से इस पर हल्की सी, ताकि ये हिले नहीं। ये देखिए, इस तरह से इसको पिनअप कर लीजिए। दूसरी साइड से भी मैं इसको पिनअप कर लेती हूँ। अब हम इस पर दोनों साइड सिलाई लगाएंगे, ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी, और साथ ही साथ इसके कपड़े की पट्टी से इसके रफ एजेस को फिनिश कर देंगे। देखिए, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है, लग चुकी है हमारी। सेम इसी तरह हम नीचे की साइड भी लगाएंगे पट्टी। ये देखिए, इस तरह से कपड़े की पट्टी लग गई है। अब इसको आगे की तरफ फोल्ड करते हुए, डबल फोल्ड करते हुए हम इसको इस पर सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल आराम आराम से सिलाई लगानी है, प्रॉपर फिनिशिंग के साथ। बहुत ही सुंदर सा ये ऑर्गेनाइज़र हमारा रेडी होगा। अगर आपके पास भी सूट वगैरह से बची हुई कतरन रखी है तो उसका आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दोनों साइड 2-2 इंच पे मैं निशान लगा लेती हूँ बीच में से, और इस तरह से मैंने एक पट्टी रेडी की है, स्ट्रिप रेडी की है इसके हैंडल के लिए। यह है 13 इंच × 1 इंच। जो हमने 2 इंच वाला निशान लगाया है उससे अंदर की तरफ रखते हुए ऊपर से पट्टी को फोल्ड करते हुए मैं इस पर सिलाई लगा लेती हूँ। धीरे धीरे से प्रॉपर फिनिशिंग के साथ किनारी किनारी पे हमें सिलाई लगानी है। देखिए, सिंपल सिलाई मशीन है, 16 नंबर की निडल लगाई हुई है फ्रेंड्स मैंने। देखिए, इस तरह से प्रॉपर फिनिशिंग के साथ मैंने ये रेडी कर ली। पिंस वगैरह मैं निकाल देती हूँ और हमारा बैग रेडी हो गया है फ्रेंड्स। अब इसमें चाहो तो देखिए, वैसे तो मैं ये देखिए इसकी कितनी चौड़ाई रेडी हुई है दोनों साइड से, काफ़ी अच्छे साइज़ का रेडी हुआ है फ्रेंड्स ये। वैसे तो मैंने शूज़, ट्रैवलिंग शूज़ बैग बनाया। आप चाहो तो इसमें और सामान भी रख सकते हैं, सूट वगैरह भी रख सकते हैं, या अपनी कोई साड़ी वगैरह भी हैंग भी कर सकते हैं अलमीरा में इसको।
और देखिए कितने साइज़ का रेडी हुआ है, 15x8.5 इंच और साइड में से हुआ है 7.5 इंच, तो काफ़ी अच्छी इसकी हाइट रेडी हुई है। कितनी भी हाइट के शूज़ हो हम इसमें इजीली रख सकते हैं। देखिए काफ़ी अच्छी हाइट है इन शूज़ की और इस तरह से हम इसके अंदर इसको रख सकते हैं, इससे ये गंदे भी नहीं होएंगे और न्यू के न्यू रहेंगे। ये देखिए इस तरह से आप अलमीरा में हैंग कीजिए या कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए इसमें आप अपने मेकअप वगैरह का सामान भी रख सकते हैं, देखिए मल्टीपर्पज़ इसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इसे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में एक नई आइडिया के साथ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।